बात मेरे प्यारे मित्रों, आज जिस गांव का हम आपको विजिट कराएंगे वह है बोसाना, जो कि धोद से, धोद पंचायत से या धोद जो नगर पालिका नगर परिषद है उससे लगभग आपका 6-7 किलोमीटर दूर है। रैंडम विजिट होगा। लोसल की तरफ से हम अभी बोसाना जा रहे हैं और देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। बने रहिए डीपीएसपी के साथ। एक नौजवान प्रकृति प्रेमी पर्यावरण प्रेमी साइकिल पे चारा ले जाते हुए, धन्य है इनके प्रयास। यह राइट साइड में देखिए एक विशाल श्रृंखला पेड़ों की और मातृ शक्ति एक बच का इंतजार करते हुए, बहुत ही प्यारा सा अनुभव, सुखद अनुभव। अकेले हैं आप ही के लिए बनी हुई है सड़क, ऐसा लग रहा है। देखिए दोनों तरफ बहुत ही सुंदर लैंडस्केप्स, ग्रीन, बिल्कुल गो ग्रीन। टी का घुमाव है, स्पीड को 30 पे नियंत्रित करने के लिए कहा गया है तो हमने 30 पे कर लिया हमारी साइकिल की स्पीड। पैडल मारने बंद कर दिए मेरे भाइयों। सेठ श्री पन्नालाल कुमावता ना हाउस सन्स कृषि फार्म हाउस रामपुरा लोसल, भव्य फार्म हाउस। एक देखें आप, भयंकर गति से वाहन जा रहे हैं और डीपीएससी सतत प्रयास कर रहे हैं आपको बोसाना का विजिट कराने के लिए। वाह यार बेटा, क्या हाल है? बढ़िया। अपनी दादी अम्मा के साथ या खेत में कार्य करते हाथ बटाते हुए, संडे का होमवर्क होता है बच्चों का, यह देख सकते हैं आप। सुखद और सूर्य देवता ने भी बादलों की चादर ओढ़ ली है ताकि हम आपको अच्छे से दिखा पाएं। श्रीमती भंवरी देवी नगर पालिका लोसल पार्षद वार्ड संख्या 34 के हैं, ये उनका ये फॉर्म है, बहुत सुंदर। चौधरी है मनोनीत पार्षद नगर पालिका मंडल दोसल। और यह देखिए यहाँ पे एक तालाब का कार्य चल रहा है, कुछ मजदूर बैठे हुए हैं। बरगद के पेड़ ये तालाब की पाल बांधी गई है बारिश से जस्ट पहले, और जल को संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। यह सीकर 28 किलोमीटर का माइलस्टोन और डीपीएससी फुल स्पीड से द्रुत गति से वापस पुनः सीकर की ओर प्रस्थान करते हुए। घना जंगल, घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल की तरह ये है, लोसल के घने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं, आंख नीचे ये बेड़ का एक जो है झुंड। और ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोसाना सीकर आ चुका है। विशाल प्रांगण इसका, शानदार बाउंड्री, शानदार खेल ग्राउंड, अति सुंदर। और इसके जस्ट सामने विशाल भीड़, ये 33 केवी सब स्टेशन बोसाना। ये द्रुत गति से जाते दो वाहन सीकर की ओर और यह आगे हमारे शिव जी का मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, बहुत ही प्यारा अनुभव। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अरे भाई लोगों, कौन से गांव से टूर? हमारा भीमा गांव से। कौन से? भीमा गांव से। भीमा, यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 12-15 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो ये टोटल यात्रा कितनी हो जाती पैदल आपकी? ये पैदल 90 किलोमीटर के लगभग हो गया। चलो चलो यार, एंजॉय द राइड और आध्यात्मिक यात्रा आपको सफल करे, बाय। तो ये है अपने कुछ कांवड़ यात्री और यहाँ पे विश्राम करते हुए कोयल की आवाज, बहुत ही प्यारा अनुभव। सुखद आसरा परिवार इका फार्म हाउस है ये, इन्होंने भी स्वागत किया आपका। यह अब हम एंटर कर रहे हैं बोसाना गांव, सीकर 24 किलोमीटर, दो 6 किलोमीटर बोसाना जीरो, और देखते हैं आगे में क्या मिलता है। रैंडम सर्वे में बने रही हमारे साथ। तो धोद से लोसल से हमने सड़क का ट्रांजिट वीडियो के साथ में, अब आपको गांव का भी हम एक विजिट कराते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है। यह है ग्रामीण युवा बोसाना गांव के, कुछ बच्चे खेलते हुए फुटबॉल से, बहुत प्यारा सा अनुभव, एक बच्चों का खेला जाना। यह भारत निर्माण राजीव गांधी केंद्र बोसाना, और कुछ युवा निर्माण कार्य, पानी की टंकी। और यहाँ से ये देखते हैं अब आगे, और लगभग मेरे को लग रहा खाली हो गई है रोड, ये आगे ये भी कोई राजकीय भवन है। यह बालाजी का मंदिर है, जय श्री बालाजी, और देखते हैं आगे क्या मिलता है।
अति सुंदर। आई आई बेटा, खुशी खुशी बना रहे हो बाबू। हेलो, रबड़ को सांप, रबड़ का सांप लेके घूम रहा बाबू। इंडिगो मेरीनो गाड़ी, जय सियाराम। इंडिगो मेरीनो गाड़ी टाटा की, किसी ज़माने में इसने भी जो है काफ़ी धूम मचाई थी। खैर अब तो टाटा ने जो है सभी जो उनकी सभी वाहन निर्माताओं की जो विदेशी वाहन निर्माता है उनकी बहुत ही बुरी हालत कर दी है। तो देख सकते हैं आप, यह है बोसाना गांव। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कीचड़ नहीं है, स्वच्छ सड़कें हैं, स्वच्छ गांव है बिल्कुल। यह है लोसल से और धोध के बीच में स्थित यह गांव है। सुबह का जीवन ग्रामीणों का शुरू हो चुका है, निर्माण कार्य चरम पे है, विकास की गति बहुत तेज हो चुकी है। बताऊँ हमारे गांव कैसे कैसे लोग हैं, यहाँ के मिलनसार लोग हैं और कितने सुखी हैं सभी। सही है, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता ग्रामीण क्षेत्र में। हाँ, हाँ। ये मंशा तो यही रहती है। आगे आप लोग बताइए, गांव की कोई खास चीज आप बताना चाहो जो मैं दिखा सकूं वीडियो में लोगों को। जागृत करो, आप बताइए कोई साइकिल चलाओ। वो तो ठीक है, वो तो वे कर ही रहो। आपके गांव की कोई विशेषता जो आप दिखाना चाहो आपको? तो गांव को तो देखो, चलिए ठीक है ठीक है, मिलजुल के भाईचारे से यही संदेश है साहब, ग्रामीण क्षेत्र का, हमारे ग्राम में जीवन का। हाँ बिल्कुल, ये देखो पर्यावरण प्रेमी बच्चे साइकिल के साथ में। अति सुंदर, बहुत प्यारा अनुभव। ये देखिए दो प्यारे प्यारे बच्चे साइकिल को बढ़ावा देते, चलाता रहे बेटा, लगा जोर, शाबाश। ये है साहब जीवन, सुबह का ग्रामीण जीवन। अति सुंदर इस छतरी पे देखिए आप, ये झाड़ियाँ लग चुकी है, अति सुंदर अति सुंदर। ये देखिए शानदार कैनोपी एक पेड़ों की सड़क के दोनों ओर, तो और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो कि समृद्धि को का संदेश देती हैं सभी जगह आजकल हो गई हैं। किसी ज़माने में केवल एम्बेसडर और फिएट गाड़ी हुआ करती थी, रोड की रानी और रोड के राजा। के शानदार छतरी, अति सुंदर। और हम आगे और अग्रसर होते हुए सीकर के लिए 6 किलोमीटर बच रहा है। कुछ युवा यहाँ भी बैठे हुए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोसाना धोध। जय सियाराम भाई जी। मकान, मंदिर, ऐसी कोई जगह जो आप गांव की बताना चाहो कि बाहर के लोग आके देख सकें, यहाँ आप बताओ अगर ऐसा कुछ है तो आपका। अच्छा, लोग बात तो अच्छे हैं ना? हाँ, देखे इस चीज़ का सभी लोग समर्थन करते हैं। जब कहते हैं ना लोग कि भाई कुछ भी नहीं अच्छा देखने का, फिर मैं उनसे यही सवाल करता हूँ तो सभी के चेहरे पे एक रौनक आ जाती है। चलो धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये है सर बोसाना गाँव के कुछ युवा बुजुर्ग, और अभी हम राइट साइड में जो है ये श्री भजनलाल जी रोलन, इनका जो बोर्ड लगा हुआ है साइन बोर्ड। ये अभी एक टाइल्स की रोड इधर अंदर जा रही है, देखते हैं आगे किधर जाती है। बोसाना गांव के अंदर निरंतर ही आगे तो बंद है, ये निजी आ गया सब किसी का। बहुत ही प्यारा केले का पेड़ भी लगाया गया, आध्यात्मिक घर है ये भी। मोरों की आवाज़ और अति सुंदर अति प्यारा अनुभव बोसाना गाँव रोड है। और इधर ये राइट साइड में देखिए मोरों की आवाज़ आते हुए जोर जोर से। और यह एक मंदिर है, यह भी बोसाना गांव में स्थित है, विशाल मंदिर, जल मंदिर भी बनाया गया है इसमें, मूर्तियां भी हैं भगवान की और जल का मंदिर भी, बालाजी भैरू बिहारी मंदिर बोसाना। यह कुछ यहां पे प्राचीन निर्माण कार्य जर्जर हालत में, जर्जर अवस्था को ये पा चुके हैं। अतीत इनका जो सुनहरा अतीत है उसका ये हमें संदेश देते हैं। ये एक चौक है इस मकान के सामने, ये प्राचीन निर्माण कार्य बोसाना गांव के अंदर, बालाजी भैरू जी बिहारी मंदिर बोसाना आपको हमने दिखाई दिया है। यह देखिए डॉग बैठा हुआ है यहाँ भी, गुस्से में है ये, आँख से आँख ना मिलाएं भाई साहब, आई कॉन्टेक्ट थोड़ा सा दूर रखें डॉग से। ये एक कुआ, प्राचीन पानी की टंकी इस पर बनाई गई है। यह भी देखिए कुछ पुराने भवन टूटे हुए जर्जर अवस्था में। इस गाँव में जो है थोड़ा सा जनता कम दिख रही है, यानी लगभग या तो वही है कि खेतों की ओर जो लोगों का पलायन हो गया था उसी प्रकार से यह होना चाहिए। आगे कॉर्नर में मंदिर है, उस मंदिर का विजिट करा के हम आपको यू टर्न करेंगे बोसाना गांव। वाह, ये देखिए साहब, यह है प्रकृति प्रेमी। खजूर का पेड़, अशोक के पेड़, सागवान का पेड़, भव्य, अति सुंदर। देखिए मोर की आवाज़ चारों तरफ से आते हुए, श्री हनुमान मंदिर
श्री हनुमान मंदिर जो कि KS ढाका मेमोरियल पब्लिक स्कूल बोसाना के जस्ट नज़दीक स्थित है। पंचायत समिति जो है शायद धो धोनी जी, यह इधर पीछे गढ़नुमा मकान अति सुंदर। वाह, एक कदम स्वच्छता की ओर। यह देखिए पुराना भवन है, अतीत को भी देखिए इसको संभाल के रखा है, और इसके अंदर जो वृक्षारोपण जिस प्रकार से किया गया देखिए अति सुंदर अति प्यारा। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, कहते ना लोग बाग कोई पेड़ कई प्रकार के लगते नहीं है, नहीं सब लगते हैं। आप लगाओगे एक वजह से कहते ना तबीयत से, कौन कहता आसमान में छेद नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत कंकड़ तो उछालो यारो, उसी प्रकार से हरा भरा हो सकता हमारा राजस्थान। बस इस प्रकार के जो लोग हैं, ये देखिए एक कुंडी बनाई गई है बर्ड्स के लिए, अति सुंदर बहुत प्यारा। ये देखिए आप, अभी हमारा जो है लगभग आज का सर्वे ख़त्म होने को है, फिर हम निकलेंगे धोध की ओर, धोध से वापस सीकर की ओर। तो गाय विश्राम करते हुए या पनगढ़ पे झाड़ियाँ लगी हुई हैं, पंचायत है ध्यान दें इनको भी विकसित करें यार, कलर वलर तो करवा दें कम से कम, ताकि जो है अच्छा एक अनुभव हो, कोई बाहर से आता है तो उसको अच्छा लगे। कई गाँवों में मैंने देखा है कुओं को बहुत ही प्यार अच्छे तरीके से सलीके से उन पर कलर वलर करके और उनको बिल्कुल एक नया जीवन प्रदान किया गया है। यह प्याऊ आई गई है, और यह देखिए एक विशाल जो हवेली मैं आपको बता रहा था वो पीछे है अंदर, वह देखें आप शानदार पुरानी हवेली है। और अब इधर से हम वापस जाएंगे सीकर की तरफ वाया धोध। तो यह अलग अलग जो है गलियाँ, उन गलियों के अंदर हमने आपको दिखाया, यति का घुमाव है, ध्यान से घूमें और चलें। यह इधर एक मंदिर है विशाल भव्य, यह शायद बालाजी का होना चाहिए, जय श्री बालाजी। और यह हम वापस इसके पूर्वी दिशा से धोध रोड की तरफ निकलेंगे। तो यह एक बोसाना का शॉर्ट सर्वे था मेरे प्यारे दोस्तों, और यह देखिए आप जस्ट गांव की सीमा ख़त्म होने वाली है, बड़े तीखे तीखे घुमाव है, इसलिए बोसाना में जब भी आप एंटर करें गाड़ी आप स्लो कर लें आपकी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई सदघटना का जो है आप अनुभव न करें। यह है बोसाना गांव, सीकर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है, और इसके बाद में तो अब आपको पता है धोध आएगा, और धोध से सीकर, योगी टायर पंचर, योगी किराना, और सुखद सा एक जीवन, मेहनत करते हुए लोग। और यह जयाचाई सीमेंटेड सड़क ख़त्म होगी, तो आप समझ लीजिए कि आप जो बोसाना गांव की सीमा से बाहर निकल जाएंगे। तो यह अब वापस रोड आ गई, दो जो हमें लेके जाएगी यह बोसाना यहाँ से लोसल 6 किलोमीटर आ गया। और दो युवा जो है सुबह सुबह इनका भी जीवन चालू हो गया, मातृशक्ति, कुछ भेड़े वेड़े। वाह यार भाई, कितनी भेड़े हैं आपके पास में? नहीं बताएंगे भाई साहब, कम हो जाएगी नहीं तो बताने से। चलिए, तो यह था बोसाना गांव, कैसा लगा आपको इसका जो विज़िट है, और रैपिड जो ट्रांजिट विज़िट था, जनरली ये किसी ने बात की तो हमने की, और कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, प्लस इंतज़ार करते रहिए, और हैव ए गुड डे, बाय।